अभी हम फिट करने जा रहे हैं ये पिस्टन रिंग, वीडियो में देख सकते हो आप। सबसे पहले हमें ये वाला रिंग उठाना है जो देख सकते हो, और सबसे नीचे जो थर्ड नंबर में ये जो कटिंग दिख रही है इसमें लगा देना है हमको ऐसे करके। उसके बाद हमने सबसे पतला वाला लेना है आपको पिस्टन रिंग। आप जब आप खोलोगे सबसे पतला वाला रिंग है जो आता है, दो रिंग आता है तो ये रिंग लेना है हमको। उसके बाद एकदम सिंपल सी फिटिंग है, देख सकते हो आप वीडियो में। ऐसे आपको फिटिंग कर देना ये। ये देखो गाइस, एकदम सिंपल तरीके से ये जो फिटिंग है वो फिटिंग फिट हो चुका है। उसके बाद सेम रिंग आता है पतला वाला, ये देख सकते हो सेम रिंग है, ये दोनों सेम रिंग है। इसको भी आपको उसी तरह से फिटिंग कर देना है। ये रिंग फिटिंग करते टाइम एक बात का हमेशा ध्यान रखें, ये जो वो रिंग है अपना कट साइज रिंग देख सकते हो, ये हमेशा बीच में होना चाहिए, और जो पतला वाला रिंग है वो दोनों ऊपर नीचे होना चाहिए, एक ऊपर और एक नीचे। अभी इसमें जो दो रिंग रहते हैं बच जाते हैं हमारे, उसमें देख सकते हो ये कैसे फिट करने, कैसे पहचानने आपको, ये देख सकते हो इस पर नंबर रहते हैं, देखो ये दिख रहा है आपको टॉप टू, तो ये टॉप टू जो नंबर आता है तो वो हमारा जाएगा ये सेकंड वाले, ये जो खाचा दिख रहा है इसमें जाएगा पिस्टन के। ये हो गया फिटिंग। अब बचा हमारा ये एक रिंग, इसमें भी देख सकते हो इधर वीडियो में दिख रहा है आपको टॉप वन, ये टॉप वन ऐसे नंबर आते हैं, सिंपल है इसको फिटिंग कर देना है हमें, सिंपल प्रोसेस है एकदम। अब सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये जो देख सकते हो आप ये जो रिंग के जो कट लगे हुए ये हमें ऐसे नहीं रखने एक समय, अभी ये कट इधर है ना तो इसको इसकी डिफरेंट साइड में ले जाना है हमें ऐसे, ये देख सकते हो एक कट इधर आ गया हमारा दूसरा कट इधर है, इसका बहुत ध्यान रखना। इससे क्या होता है अगर आपको बताता हूँ मैं, ये दोनों कट अगर ऐसे रहेंगे ऐसे सेम प्रोसेस में तो जो हमारा ऑयल है वो इधर बीच में से निकल के हेड पे आ जाएगा और गाड़ी हमारा धुआं छोड़ने लगेगी, इसी के कारण इसको हमेशा अपोजिट साइड पे मोड़ के रखना है ऐसे। ये एक खांचा इधर आ गया तो दूसरा हमेशा इस तरफ होना चाहिए, और ये छोटे वाले रिंग का भी वैसे ही है, ये देख सकते हो एक इधर है और दूसरे वाला इधर है, जो ये रिंगों के जो ये कट होते हैं वो पूरी डिफरेंट साइड में होने चाहिए, जैसे एक लाइन में कभी मत रखो ताकि हमारी गाड़ी है वो धुआं ना मारे।